हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये प्लेट खाली है, मुझे कुछ खाना है। पिज्जा रास्ते में है और मेरा स्वादिष्ट नाश्ता। बच्ची मैं आ रही हूँ, और मेरा शानदार केक। और मेरा खाना कहाँ है? तुम्हें जो चाहिए चुन लो। ओ, यहाँ मेरा खाना है, पर यह नहीं। वो क्या ड्रॉ कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे बर्गर चाहिए। बर्गर? लेकिन ये उतना हेल्दी नहीं होता है। बर्गर ठीक है, मुझे चुनौती स्वीकार है। बर्गर बढ़िया, मैं तैयार हूँ। यह कटलेट ले लिया। बस यह, अब सब जल्दी तैयार हो जाएगा। और टमाटर के बिना कैसा बर्गर। चलो पहले इसे काटता हूँ। ओह, यह उतने अच्छे से कट नहीं रहा है। ओह, खैर कोई बात नहीं। चलो एक बन पर टमाटर डालते हैं, और अब थोड़ा चीज। मैं चाकू के बिना करूंगा। बस देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ। बढ़िया। मेरा कटलेट जल रहा है। कितनी जलन हो रही है। ग्लव्स पहनना सही रहेगा। चलो अब कटलेट को बन पर रखें। थोड़ा जल गया है पर ठीक है। और अब हमें बन के दूसरे हिस्से को रखना होगा। हाँ बिल्कुल सही। मेरा हाथ। बन, कटलेट? नहीं ऐसे नहीं, मैं इसके बिना करूंगी। यह सेब जिसकी जरूरत मेरी पोती को है, और एक और हेल्दी फल केला। हाँ, और कीवी के बिना कैसे तैयार होगा ये डिश। और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी। और हम सब कुछ अच्छी तरह से रखेंगे, और हमें एक सुपर पौष्टिक फ्रूट बर्गर मिलेगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब शेफ खाना पकाना शुरू करती है। मैं अब तक का सबसे अच्छा बर्गर बनाऊंगी। सभी सामग्री जगह पर है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। पहले प्याज, फिर चीज और कटलेट और सैलेड। अब थोड़े और चीज और गाजर। हमें सॉसेस के बारे में भी नहीं भूलना है। हाँ देखो सुपर बर्गर तैयार है। ओ वाह, मेरा बेहतर है। आखिरकार अब मैं सबसे अच्छा बर्गर चुनने जा रही हूँ। यह तो भयानक लग रहा है। ओह डरावना, मैं ये बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मैं बस इसे बाहर फेंक दूंगी। चलो भी इस बर्गर को देखें। हाँ यह अच्छा दिख रहा है। चलो इसे खा कर देखते हैं। बुरा नहीं है। मुझे फ्रूट्स पसंद है, लेकिन बर्गर में नहीं। वाह, यह कितना अच्छा बर्गर है, और यह बहुत बड़ा भी है। और इसका स्वाद और भी बढ़िया है। यह वाला, मैं इसे चुनती हूँ। मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। ऐसा कैसे? ओह मेरे हाथ। अब मुझे चाहिए लेमोनेड। लेमोनेड? यह एकदम आसान है। चलो शुरू हो जा। एक सुंदर ग्लास के बिना इसे कैसे कर सकते हैं? मैं इसे सजाऊंगी। पहले चीनी लेती हूँ एक ग्लास, और इसे शहद में डुबोती हूँ। इस तरह से, बिल्कुल सही। ठीक है, अब यह अच्छा दिख रहा है। अब चलो थोड़ा काम करते हैं आइस के साथ। मुझे यह पसंद है, यह कितना रिलैक्सिंग है। फर्स्ट क्लास आइस तैयार है। सावधानी से एक ग्लास में डालें। वह क्या कर रही है? ओह यह शेफ भुना, उसे पता भी नहीं है कि लेमोनेड क्या होता है। मैं इसके जूस को पानी में निचोड़ूंगी अच्छे से। हाँ यह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। ओह कितना खट्टा है यह। मुझे इसमें तुरंत चीनी डालने की जरूरत है। और
थोड़ा चीनी खाना भी होगा। यह बेहतर है। क्या इतना काफी है? नहीं, शायद थोड़ा और डालना होगा। ओह, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। हम चॉकलेट को ब्लेंडर में डाल देते हैं और चलो इसमें M&M's भी डाल देते हैं और स्वादिष्ट चॉकलेट बॉल्स और फिर स्वादिष्ट आइसक्रीम और थोड़ा दूध और अब सब कुछ मिला देना है और अब इसे एक ग्लास में निकाल लेना है और फाइनल टच ये स्ट्रॉ है। जरा इसे चखो दादी। प्यारे बच्चे, इसे तुम ही चखो। यहाँ, यह असली नींबू पानी है। क्या यह असली लेमनेड है? ठीक है, फाइनल टच बेरीज। और हमें स्ट्रॉबेरीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए। और इसे इसमें डालें और इन सबको अच्छे से मिलाएं। इसमें ब्लूबेरीज भी मिलाना है, इस तरह। और मैं इन सबको एक ग्लास में निकाल दूंगी। हाँ, वाह। अब इसमें स्ट्रॉ डाल देती हूँ और ये तैयार हो जाते हैं। देखो कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसे चुनो केट। सब कुछ कितना दिलचस्प और रंगीन है। मुझे लगता है मैं इसके साथ शुरू करूंगी। ये कितना सुंदर है और बहुत स्वादिष्ट भी। हाँ, और यहाँ क्या है? चलो इसे चख कर देखती हूँ। ये थोड़ा के बस नींबू और पानी दिख रहा है। नहीं, मैं इसे नहीं पी सकती। नहीं। और यह क्या है? क्या यह लेमनेड है? ठीक है, मैं इसे चखती हूँ। वाह, यह कितना स्वादिष्ट है। मैं इस कॉकटेल को चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गया। हुर्रे! अच्छा किया बेबी। धन्यवाद दादी। वहाँ क्या है? मुझे चिप्स चाहिए। चिप्स? क्या सच में? मुझे पता है क्या करना है। चलो आलू लेते हैं और इसे बढ़िया से छील लेते हैं। बढ़िया, देखो मुझे ऐसा ही चाहिए। मैं बेहतर कर सकती हूँ। देखो और सीखो, इसे ऐसे होना चाहिए। देखो मेरे पास कितने आलू हैं। ओह, खैर, अब मैं सब काम तेजी से करूंगी। अब मैं क्या करूंगा? ठीक है, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। पहले आलू को छील लेता हूँ। बढ़िया, ये तैयार है। अच्छा दिख रहा है। अरे तुम मूर्ख हो, देखो मेरे पास कितने आलू हैं। देखो मैं कैसे कर रही हूँ। बढ़िया, अब मैं जल्दी से कुछ अच्छा तैयार करूंगी। मैं इसे ओवन में डालूंगी। ओह, वो कितनी खुश दिख रही है। पर इसे कुछ नहीं होगा, जीत अभी भी मेरी होगी। चलो काम शुरू करते हैं। ब्लेंडर में आलू डालते हैं, फिर इसमें थोड़ा दूध और इसे अच्छे से मिलाते हैं। यह सांचे कमाल के हैं। और अब मैं एवोकाडो डिप तैयार करूंगी। हाँ, जब तक आलू तैयार हो रहे हैं मैं एवोकाडो डिप तैयार करती हूँ। बस इसे साफ करना है, बीज बाहर निकालना है और इसके पल्प को यूज करना है। अब इन सबको मैं मिक्सर में डाल देती हूँ। थोड़ा नमक मिलाती हूँ और थोड़ी सी मिर्च। और अब इसे बाहर निकालते हैं। वाह, क्या सुगंध है। और अब इसे बाहर निकाल देते हैं और हमारा ग्वाकामोली सॉस तैयार है। वाह, क्या सुगंध है। मेरा परफेक्ट चिप्स एकदम तैयार है। अब केवल इन प्याज को डालने की जरूरत है और मैं जीत जाऊंगी। ये बहुत मजेदार है। ओह, मैंने सोचा कि मेरे आलू के साथ क्या करना है। अब बस थोड़ा इंतजार करना। मैं इसे टोस्टर में डाल दिया हूँ और इंतजार करता हूँ। वाह दादी, देखो मैं कितना जीनियस हूँ। ये जल रहा है। अब मैं क्या करूँ? ओ नहीं, वो पूरी तरह से कोयला हो गया है। फिर भी मुझे कुछ करना होगा। ये आलू के शेप कैसे लग रहे हैं? मेरे आलू के चिप्स तैयार है और बीच में यह सॉस। ओह, उसने फिर कुछ मुश्किल काम किया है। केट, इसे चखो।
चलो देखते हैं यहाँ क्या है। अच्छा लग रहा है। और यहाँ यह भी प्यारा है। यह काली भयानक चीज क्या है? काले डरावने फायर ब्रांड। ओह, यह कितना घिनौना है। मैं इसे नहीं खाना चाहती। चलो इस आलू को चखती हूँ। स्वादिष्ट, बहुत अच्छा, मुझे ये पसंद आया। और यहाँ क्या है? थोड़ा अलग सा लग रहा है ये। वाह, कितना स्वादिष्ट, बहुत दिलचस्प। वाह, मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, जैसा मैंने कहा था, मैं जीत गई। क्या आपको हमारी चुनौती पसंद आई? फिर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुछ भी दिलचस्प ना छूटे। आगे नए हीरोज, स्वादिष्ट ट्रीट्स और कूल चैलेंजेस है। कमेंट में लिखें कि आपको कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद आई।